दोस्तों, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो एक सीजनेबल बिजनेस शुरू करना चाहिए। जो सीजनेबल बिजनेस होते हैं, इसमें आपको 2 से 3 गुनी तक प्रॉफिट देखने को मिलती है। कम समय में ज्यादा पैसे कमाने का इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं हो सकता। आज हम जिस बिजनेस की बात करने वाले हैं, इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है। चाहे छोटे से छोटा गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, छोटा बड़ा कोई भी आदमी हो, हर जगह इसकी डिमांड रहती है, क्योंकि यह प्रोडक्ट ही ऐसा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं तिरपाल बिजनेस की। तिरपाल बिजनेस आप देखते होंगे कि अगर कोई गाड़ी कहीं लोड होके जा रही है, जैसे ट्रक बस आदि हो गए, इन पे डाला जाता है। झोपड़ी वगैरह जो बनाते हैं बरसात में पानी से बचने के लिए, इसके लिए प्रयोग होता है। दुकानों में प्रयोग होता है। और इसके अलावा इसके टेंट वगैरह बनाए जाते हैं, यानी कि जो तिरपाल है इसका प्रयोग काफी जगह होता है बरसात में। दोस्तों, बरसात से बचाव के लिए तिरपाल या पन्नी का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो आप इसका होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं, रिटेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए, किस बिजनेस में कैसे प्रॉफिट है, पूरी जानकारी भी वीडियो में देने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिए और समझिए किस प्रकार से आप तिरपाल का बिजनेस कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया, बिजनेस का फंडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, तिरपाल एक ऐसी चीज है जिसके डिमांड हर जगह है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि छोटी छोटी गाड़ी वाला बड़ी से बड़ी गाड़ी तक हर जगह इसका डिमांड है। तिरपाल एक ऐसी चीज होती है जो बरसात से ज्यादा बचाव करती है, धूप से भी बचाव करती है, और इसके अलावा किसान भाई अपनी फसल को भी इससे बचाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। यानी कि तिरपाल बहु उपयोगी चीज है, लेकिन इसका बिजनेस कुछ समय बहुत ही ज्यादा रफ्तार के साथ चलता है। जैसे कि बरसात में आमतौर पर केवल धूप से बचाव के लिए ही तिरपाल का प्रयोग होता है, लेकिन बरसात में हर किसी को इसकी आवश्यकता पड़ती है। सबसे ज्यादा इसका प्रयोग गांव क्षेत्र में भी होता है, किसान भाई भी प्रयोग करते हैं, शहरों में झुग्गी झोपड़ी वाले भी प्रयोग करते हैं, और आमतौर पर लोग इसका प्रयोग करते ही करते हैं। तो आप इस बिजनेस को एक अच्छा प्रॉफिट वाला बिजनेस मान के शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें तिरपाल का बिजनेस करना है तो कैसे करना है। दोस्तों, तिरपाल का बिजनेस आप 3 तरीके से कर सकते हैं। एक, ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आज के समय में कोई भी बिजनेस करना आसान है। आपको क्या करना है, आपको होलसेल मार्केट से इसको खरीद कर लाना है। माल को खरीद कर लाया, आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट या जो भी ई कॉमर्स साइट है उस पर रजिस्टर किया हुआ है, उस पर अपने प्रोडक्ट की फोटो खींचनी है और वहां पर अपनी एमआरपी जो भी आप बेचना चाहें, 500 रुपए की आपने खरीदी है, 1500 रुपए, 2000 रुपए तक आप वहां लिस्ट कर सकते हैं। साइज लिख सकते हैं कि आपका साइज तिरपाल का क्या है और कौन कौन से कलर है, इस प्रकार से आप वहां पर बहुत सारी फोटो अपलोड कर सकते हैं। जिसको भी उस साइज का तिरपाल चाहिए वो आपके ऑनलाइन खरीद लेगा। आपको कहीं नहीं जाना, ना आपको गोदाम की जरूरत पड़ी, ना दुकान की जरूरत पड़ी, ना ही कोई लेबर वगैरह की आवश्यकता पड़ी। आपको क्या, केवल ऑनलाइन माल बेचना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं ऑफलाइन की। ऑफलाइन में आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आप होलसेल में माल सप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप दिल्ली से एक माल खरीद कर लाते हैं। अब जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, इन दुकानदारों को आपको माल सप्लाई देना है। जिसके पास भी जाएंगे, कोई 10 तिरपाल खरीदेगा, कोई 20 खरीदेगा, कोई 50 खरीदेगा, जिसकी जितनी कैपेसिटी होगा वो आपसे तिरपाल खरीद लेगा और आप उनको इस प्रकार से सप्लाई दे सकते हैं। एक क्षेत्र में दोस्तों कम से कम छोटे से छोटे कस्बे में भी आप 40 से 50 तिरपाल आसानी से सेल कर सकते हैं। एक तिरपाल पे आप कुछ नहीं, केवल 100 रुपए कमा रहे हैं। एक कस्बे में अगर एक दिन में आपने 50 तिरपाल भी बेच लिए तो 5000 रुपए प्रतिदिन की प्रॉफिट हो जाएगी। अगर एक महीना भी आपने काम कर लिया तो आप समझिए कि 1.5 से 2 लाख रुपए तक का आपका टारगेट पूरा हो जाएगा सिर्फ एक महीने में। और ये बिजनेस चलता है 3 महीने भरपूर ताकत के साथ। तो आप 3 महीने तक इसका काम कर सकते हैं। आप इस काम को शुरू कर सकते हैं मई से, लेकिन मई खत्म हो गया, जून खत्म हो गया, कोई बात नहीं, अभी जुलाई शुरू हो रही है। तो जुलाई अगस्त 2 महीने आपके पास अभी टाइम है। 2 महीने अच्छी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि माल होलसेल में खरीद कर लाना है और अपने यहां जो भी दुकानदार है इनको जो अभी तिरपाल है ये सप्लाई देना है। इसके अलावा तीसरा काम आता है कि आप अपने प्रोडक्ट को बड़ी बड़ी मार्केट में एक दुकान लगा सकते हैं, एक काउंटर लगा सकते हैं, वहां पर तिरपाल आप शो कर सकते हैं कि आपके पास ये तिरपाल है, ये तिरपाल है, ये तिरपाल, और दुकान लगाकर आप सेल कर सकते हैं। जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि यहां पर तिरपाल बिक रहे हैं, जिसको भी आवश्यकता होगी, ट्रक बस वाले उनको भी आवश्यकता होती है, गाड़ी वाले जितने भी होते हैं, छोटे हाथी वगैरह होता है, पिकअप होती है, जो छोटी गाड़ी इनको भी आवश्यकता पड़ती है, अगर अच्छी क्वालिटी का तिरपाल आप कम कीमत में बेच रहे हैं तो ये आपकी दुकान से खरीद कर ले जाएंगे। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से आप बिजनेस कर सकते हैं। एक ऑनलाइन कर सकते हैं, एक होलसेलिंग कर सकते हैं, अपनी रिटेल
की दुकान खोल सकते हैं। तीनों तरह से आप इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। त्रिपाल दोस्तों डिमांड में काफी ज्यादा रहता है, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि त्रिपाल किस क्योंकि मार्केट में जो आज से प्लास्टिक की पन्नी बिकती है, ये पन्नी कुछ समय बाद खराब हो जाती है या फट जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है। त्रिपाल लॉन्ग लास्टिंग होती है, लंबे समय तक चलता है, इसलिए लोग इसको खरीदना चाहते हैं। लेकिन आसानी से लोगों को त्रिपाल मिलता नहीं है, इस कारण वो प्लास्टिक की पन्नी खरीदते हैं। तो आपको क्या करना है कि त्रिपाल ही त्रिपाल बेचते हैं, दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं, और इनके आप हर जगह कस्टमर बना ले रहे हैं। आप जिस भी दुकान पे जाएंगे, जिस भी कपड़े की दुकान पे जाएंगे, वहां पर भी बिकेगा। और आप एक बार जिस दुकानदार को देके आएंगे, जैसे होलसेल में आपने किसी दुकानदार को एक बार 10 पीस दिए, 15-20 दिन में दोबारा जाएंगे, दोबारा फिर ऑर्डर मिलेगा। इस प्रकार से आपको बार बार ऑर्डर मिलेंगे, या फिर आप अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वहां पर अपने कस्टमर बना सकते हैं। आप वहां पर बोलिए, भैया इस क्षेत्र में आप माल सप्लाई कीजिए, हम आपको थोक रेट में ये त्रिपाल देते रहेंगे। आप उसे थोक रेट में ज्यादा नहीं 50 रुपए ही कमा लीजिए। एक त्रिपाल पर अगर 50 रुपए आप कमा रहे हो, एक दुकानदार आपसे 1000 त्रिपाल हर महीने खरीद रहा है, तो आप समझिए कितनी प्रॉफिट हो गई। और अलग अलग क्षेत्रों में जब आप माल इस प्रकार से अपने डीलर बना देंगे, तो इस प्रकार से भी आप बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों कई प्रकार से बिजनेस किया जा सकता है। अब बात आती है कि मुझे बिजनेस करना है तो माल कहां से खरीदें, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है। जब बिजनेस करना होता है तो सबसे बड़ी समस्या आती है, हमें माल खरीदना कहां से है। दोस्तों माल आप दो तरीके से खरीद सकते हैं, एक ऑनलाइन खरीद सकते हैं, एक ऑफलाइन खरीद सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप दिल्ली में आजाद मार्केट जा सकते हैं। आजाद मार्केट में आपको बहुत सारे होलसेलर देखने को मिल जाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ त्रिपाल बेच रहे हैं, तरह तरह के त्रिपाल। ये क्वालिटी नहीं मिलेगी उनके पास, उनके पास 5 से 10 क्वालिटियां देखने को मिलेंगी। आप कम से कम कीमत में खरीदना चाहें या ज्यादा से ज्यादा कीमत में खरीदना है, जैसा भी आपको पसंद आए उस प्रकार की क्वालिटी आप खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा, 3 क्वालिटी आपको खरीदनी है। एक लोएस्ट क्वालिटी जो सबसे कम कीमत में मिल जाए, एक मीडियम क्वालिटी जो उनके ऊपर हो, और एक फर्स्ट क्वालिटी जो सबसे ऊपर हो। 3 क्वालिटी आपको खरीदनी है और तीनों क्वालिटी का माल अपने मार्केट में लेके आना है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया मुझे बहुत हल्का माल चाहिए, उनके लिए सस्ता माल हो गया। कोई कहते हैं भाई सब ज्यादा महंगा बिकता नहीं, मीडियम क्वालिटी का है, उनके लिए वो रखिए। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि इनको ट्रक वगैरह में लगाना होता है, वो बार बार चेंज नहीं करते, उन्होंने एक बार ले लिया उनका काम हो गया, तो वो क्या चाहते हैं अच्छा माल मिले। तो ऐसे लोगों के लिए फर्स्ट का माल रखिए। तो 3 तरह का आपको माल खरीदना है आजाद मार्केट से। दूसरा तरीका है कि आप ऑनलाइन जा सकते हैं। ऑनलाइन गूगल में सर्च कर दीजिए त्रिपाल होलसेल मार्केट, वहां पे बहुत सारे मार्केट आ जाएंगे। या फिर आप सर्च कर सकते हैं त्रिपाल होलसेलर, गूगल पे सर्च कर देंगे बहुत सारे होलसेलर आ जाएंगे, उनसे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ब्रांड पूछ सकते हैं किस ब्रांड का माल उनके पास उपलब्ध है। अगर आपको ब्रांड की जानकारी है कि आपके क्षेत्र में किस ब्रांड का माल चल रहा है, तो उसी ब्रांड से संबंधित आप दुकानदार से संपर्क कर सकते हैं, भैया मुझे इस ब्रांड का माल चाहिए, उस ब्रांड का माल खरीद लीजिए और उसको ला करके आप शेयर कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों मुझे ये बिजनेस करना है, इसमें प्रॉफिट कितनी होगी और लागत कितनी होगी, क्योंकि हर बिजनेस इसी पर टिका होता है। दोस्तों अगर आपको त्रिपाल का बिजनेस करना है तो इसमें कम से कम शुरुआत में आपको 50,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि त्रिपाल काफी महंगा आता है, ये नहीं होता है कि सस्ता आता है। कम से कम त्रिपाल आपको 80 रुपए केजी से मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, त्रिपाल किलो के भाव से मिलता है। कैसे मिलता है मैं आपको दिखाता हूं। त्रिपाल दोस्तों मैंने इंडिया मार्ट पे सर्च कर दिया है, अब यहां पर आपको मैं कुछ कीमतें दिखाता हूं। ये देखिए 98 रुपीज किलो केजी है ना, और नीचे आ जाइए 92 रुपए केजी, और नीचे आ जाइए ये स्क्वायर फीट के हिसाब से बेच रहे, ये पन्नी है 68.60 प्रति स्क्वायर फीट, ये 95 रुपए केजी दे रहे हैं, ये पन्नी है, ये 120 रुपए केजी दे रहे हैं, ये पन्नी है, और ये 2 रुपए स्क्वायर फीट दे रहे हैं। समझिए 2 रुपए स्क्वायर फीट में आपको क्या मिल रहा है, वाटर प्रूफ ट्रक त्रिपाल। ये दोस्तों बहुत सोचने वाली बात है, 2 रुपए स्क्वायर फीट में आपको ट्रक का त्रिपाल दे रहे हैं, यानी कि ये बहुत हल्का क्वालिटी है, बस कहने मात्र की है, क्योंकि 2 रुपए में कुछ नहीं आता। दोस्तों यहां पर 13 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से दे रहे हैं, ये भी प्लास्टिक की पन्नी है, ये त्रिपाल कह सकते हैं पर नहीं, त्रिपाल की क्वालिटी कम से कम इस प्रकार से होनी चाहिए, जैसे आप ये देख रहे हैं 120 रुपए केजी मिल रही है, तो इस प्रकार की क्वालिटी होगी। ये देखिए 180 रुपए केजी आपको मिल रही है, और ये जो आपको मिल रही है रिक्वेस्ट प्राइस करना होगा। ये देखिए कॉटन त्रिपाल 15 रुपए स्क्वायर फीट, इस प्रकार के जो त्रिपाल होंगे ये आपको ज्यादा बिकेंगे, इनमें अच्छी प्रॉफिट होगी, 73 रुपए स्क्वायर फीट। और ये देखिए आपको यहां पर अलग अलग कीमतें देखने को मिल रही है, 124 रुपए केजी, और देखिए 90 रुपए केजी।
तो यहाँ पर जो आपको मैं कीमतें दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये वाकई में इतनी सस्ती कीमतें हैं कि आप सोच नहीं सकते। 110 रुपए केजी में जो पीवी पन्नी मिल रही है, ये कोई काम की नहीं है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कॉटन का देखें या फिर इस प्रकार की अगर प्लास्टिक देख रहे हैं तो वो आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। याद रखिए 149 रुपए केजी के साथ चल रही है, ये 109 रुपए केजी चल रही है। यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम यानी कि 2 रुपए स्क्वायर फीट का माल मिल रहा है। ये आपने पहले भी दिखाया है, फिर देख लीजिए 2 रुपए स्क्वायर फीट में आपको दिखा रहा हूं कि आपको यहाँ पे मिल रही है तिरपाल। और नीचे आप देखते जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां आपको देखने को मिलेंगी। जिस भी कंपनी से आप माल खरीदना चाहें या जिससे बात करना चाहें, जैसे कॉल नाउ का ऑप्शन 120 रुपए केजी दे रहे हैं, 120 रुपए केजी है, और यहाँ पे कॉल नाउ पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, जो भी आप जानकारी चाहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रुपए स्क्वायर फीट में आपको क्या मिल रही है, ट्रक वाली तिरपाल मिल रही है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जितनी कम कीमत यानी उतना हल्का माल और जितनी अच्छी ज्यादा कीमत उतना अच्छा माल, ये देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी आपको एक बार क्लियर कर लेना है, वहां जाके क्वालिटी चेक कर लेनी है, तभी माल खरीदना है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैंने फोन पे ऑर्डर दे दिया, माल मंगा लिया। तो यहां से जब भी आप माल मंगा रहे हैं तो ये आपको याद रखना है दोस्तों कि क्वालिटी से कभी समझौता नहीं, कम से कम 2 से 3 क्वालिटी आपको रखनी है। ये आप जान गए होंगे कि 2 रुपए स्क्वायर फीट में आपको तिरपाल मिल रहा है। यहाँ पर ऑनलाइन के प्राइस है, ऑफलाइन में और भी अलग प्राइस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्वालिटी निर्भर करती है, किस प्रकार की क्वालिटी आप खरीद रहे हैं उसी प्रकार का पैसा आपसे लगेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।